फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? सो गाइस, मेरे चैनल नेचुरल स्किन केयर मेकअप लवर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज जो फेस पैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये फेस पैक हेल्प करने वाला, जिनके फेस बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो गए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए, स्किन बहुत ही ढीली बेजान सी हो गई है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा रामबाण होने वाला है ये फेस पैक। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करें, लास्ट तक देखें तो आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्या यूज करने वाले हैं जिससे हमारे फेस में इतना ज़्यादा, हमारे फेस की इतनी सारी प्रॉब्लम की छुट्टी हो जाएगी, हमारा फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो गाइस, इसको मैं पहले बता दूँ, ये फेस पैक जो हम मैं अभी बताने वाली हूँ, ये ऑल स्किन टाइप है। आप इसको बिना किसी टेंशन के यूज कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोलूँगी, पैच टेस्ट करो, उसके बाद अपने फेस पे आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। आपके फेस में जितने भी दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल, सबको रिमूव कर देगा, आपकी स्किन को टाइट बनाएगा, ठीक है। जब आपकी, अगर आप रेगुलर स्किन केयर करते रहोगे ना, तो आपकी जो स्किन है ना, वो टाइट बनी रहेगी, ठीक है, जिससे आपसे आप यंग लगोगे। तो आपकी एज कोई सी भी हो, ठीक है, मैटर नहीं करता कि आपकी क्या एज है, आप इसको किसी भी एज में हो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके फेस में ये सारी प्रॉब्लम है तो आप इसको बेझिझक होके यूज करो, इसके रिजल्ट आपको 110% मिलने वाले हैं, बहुत औसम रिजल्ट मिलेंगे जब आप इसे रेगुलर यूज करोगे। एक हफ्ते तक आप यूज करके देख लो, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर आप बताना, देख लो वीडियो किस तरीके से इसे बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको जो है आलू, तो गाइस यहाँ पे आपको आलू ग्रेट करके कद्दूकस के, मतलब उसका जूस निकालने के बेस्ट से बेहतर है कि आप इस तरीके से आलू, अगर सब्जी के लिए आप कट कर रहे हो तो सब्जी जस्ट के लिए कट किया आपने आलू, ठीक है, तो उससे पहले अच्छे से आलू को धो ले, धो के उसको अच्छे से बारीक कट कर ले, ठीक है। तो मुझे बनानी थी सब्जी, तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 आलू लिए थे, उनको अच्छे से धो लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए पानी डाल के अच्छे से इन्हें ड्रिप कर दिया, तो 5 मिनट में देख सकते हो कि आलू का जो पानी का कलर है ना, वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना, तो आपका आलू जो बेस्ट हो जाता है ना, जूस निकालने के बाद, कई बार होता है ना कि हम आलू का जूस निकालते हैं फिर जितना भी आलू का जूस निकालने के बाद आलू वेस्ट हो जाता है, वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए आलू का स्टार्च। तो हमें किस तरीके से भी निकले, हमें आलू के स्टार्च से मतलब है, ठीक है। तो हमें इस फेस पैक में आलू का स्टार्च चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनाने के लिए जो आलू यूज किए थे उनको अच्छे से धो के कट करके फिर मैंने साफ पानी इसमें डाला था, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, आपको अच्छे से आलू को धोना है, धोने के बाद उसको कट करना है, कट करने के बाद साफ पानी डाल के एक बाउल में ऐसे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रख लो, जितना भी आलू का स्टार्च होगा वो इस पानी में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस पानी से आप ऐसे निकाल के आप अलग कर लो, ठीक है। तो आपके आलू आ गए सब्जी बनाने के लिए, और ये जो पानी बच गया ना, तो इसको बिल्कुल शांत जगह पे रख दो, मतलब हिलाओ डुलाओ नहीं, आप इसको बहुत ही आराम से रख दो, और कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस पानी को आप टच मत करो, ठीक है, ताकि जितना भी स्टार्च है ना वो इस पानी में अच्छे से जम जाए, बैठ जाए, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, और बाकी की जो आप के आलू हैं उसकी आप सब्जी बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आलू वेस्ट हो जाता है ना जूस निकालने के बाद, वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि रोज़ डेली अगर आपको लगाना है, रोज़ डेली आलू बर्बाद क्यों करना है, इस तरीके से आप सब्जी बनाने के लिए यूज करते हो, तो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का प्रोसेस लंबा हो सकता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बना दी सब्जी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पानी रखा हुआ था वो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे स्टार्च कितने अच्छे से जम चुका है, बैठ चुका है, और पानी बिल्कुल शांत हो गया है, तो एकदम पानी आपको साफ दिख रहा होगा ना, नीचे स्टार्च बैठा हुआ, तो जितना भी स्टार्च है वो अच्छे से नीचे जम गया है। और अब ये पानी जो स्ट्रा है हम इसको फेंक देंगे, ठीक है, बहुत आसानी से, आराम से, बिना हिलाए डुलाए पानी आप आसानी से अलग कर दें। और यहाँ पे बाउल पे मैंने निकाले स्टार्च, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जितना भी मुझे स्टार्च चाहिए वो 1 चम्मच के करीब यहाँ पे स्टार्च निकल आया। इसके बाद मैंने स्टार्च पे डाला 1 चम्मच दही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दही डाल दिया 1 चम्मच, दही आपका घर का बना हो, मार्केट का हो, दोनों ही चलेगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला 1/2 चम्मच से कम कम शहद, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शहद डाल दिया। इसके बाद हम अंदाज से एलोवेरा जेल डाले, मतलब कि आप 1/2 स्पून एलोवेरा जेल डाल दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अंदाजे से एलोवेरा जेल डाल दिया था, ठीक है। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना है, इसके बाद अप्लाई करना है अपने फेस में। सो फ्रेंड्स, इतना अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलने वाला, आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगी, तो जब भी कुछ अपने फेस पे अप्लाई करो, फेस वॉश करना कभी ना भूलो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं अप्लाई करूँगी, अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट में अपने फेस में मसाज करूँगी, ठीक है। मसाज करने के बाद इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए ही अपने फेस में रहने दूँगी,
इसके बाद जाके मैं ठंडे पानी से अपना फेस क्लीन कर लूँगी, ठीक है। अगर आप रोज़ डेली इसको लगा रहे हो तो आप इसे 5 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज कर दो, ठीक है, और छोड़ दो। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने बस लगाया और लगा के इसको छोड़ दो और जाके 10 मिनट बाद अपना फेस क्लीन कर लो। जितने भी आपके फेस में दाग धब्बे हैं उनको रिमूव कर देगा। धीरे धीरे करके आप देखोगे सारे जितने भी फेस में आपके निशान पड़े होंगे ब्लैक सारे निशान मिटा देगा। जितने दाग धब्बे उनको रिमूव करके आपके फेस को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन कर देगा। आपके आईज़ के नीचे डार्क सर्कल अगर हो गया तो डार्क सर्कल को तो ये 100% रिमूव कर देगा। आप अगर रेगुलर इसको अच्छे से यूज करोगे ना तो आप देखोगे सारे डार्क सर्कल आपके गायब हो चुके होंगे आपका फेस। तो फिर इस तरीके से यूज करके ना आपकी जो ढीली स्किन हो जाती है ना, जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो आपकी स्किन भी फेस की ढीली पड़ने लग जाती है, तो उसको भी ये टाइट बनाएगा, ठीक है। जिससे अगर आपकी स्किन टाइट दिखेगी तो आपका फेस जो है ना तो आपका फेस यंग लगेगा। अगर फेस में कसाव रहेगा तो ऑब्वियसली आपके फेस में एक चमक रहेगा, ग्लो रहेगा, साइन रहेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ये आपके फेस में नेचुरल ब्लीच का भी काम करेगा, ठीक है। तो अक्सर आप मार्केट से ब्लीच करवाते हो तो इसको यूज करने के बाद आपको मार्केट की ब्लीच यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके फेस में नेचुरल ब्लीच का भी काम कर देगा। इतना अच्छा आप देखोगे धीरे धीरे कि आपके फेस में एक टोन दो टोन लाइट होने लग गया, ठीक है, एकदम से। यानी कि आप काले हो तो काले से गोरा कर देगा। हाँ, आपकी स्किन का जो कलर होगा उस टेक्सचर को एक दो टोन ये लाइट जरूर कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेगुलर छोटी छोटी चीज़ें यूज करके अपने फेस को स्वस्थ बना सकते हो, हेल्दी बना सकते हो, ठीक है। आपको बाहर की ब्लीच करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे आपको पता ही है कि आलू एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, तो ये आपके फेस को सच में गोरा बनाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। एकदम से नहीं बनाएगा कि आज लगाया कल बिल्कुल वाइट हो जाओगे, ऐसा नहीं। अगर रेगुलर इसको यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट गाइज मिलने वाले हैं। जितने दाग धब्बे रिमूव करेगा, झुरिया रिमूव करेगा, आपके फेस की जितनी भी डलनेस होगी उसको रिमूव करके आपके फेस को ग्लोइंग बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, साथ ही आपकी स्किन को टाइट बनाएगा और आपके फेस में गोरापन लाएगा। तो इतने ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, तो क्यों ना आप ट्राई करो। तो गाइज इसको ट्राई जरूर करो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू।